तो गाइज यार, अगर आप लोग भी एक नए यूट्यूबर हैं तो फाइनली यार ये प्रॉब्लम आप सभी जनों के भी साथ में आती होगी और आप सभी जनों को भी नहीं पता रहता होगा कि हम जो है अपनी यूट्यूब की वीडियो को ब्राउज फीचर के अंदर कैसे ले जा सकते हैं। देखो, वीडियो के अंदर सर्च के अंदर ले जाना कोई भी कर लेगा, वीडियो वहां पर सर्च के अंदर टंग भी जाएगी क्योंकि वो एक सिंपल यहाँ पर जो प्रोसेस है, तो सर्च के अंदर बहुत कम टॉपिक बने हुए थे तो उन टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओगे तो वीडियो जो सर्च के अंदर यहाँ पर एकदम आसानी से चली जाएगी। लेकिन ब्राउज फीचर एक ऐसी चीज होती है जहां पर यूट्यूब जो है खुद लोगों को वीडियो सजेशन यहाँ पर भेजता है और हमारे को ज्यादा व्यूज यहाँ पर मिलते हैं। सर्च के अंदर से मिल जाएंगे, हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा फीचर और हमारे को मिल जाएगा ब्राउज फीचर। तो ब्राउज फीचर का काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर फीचर है, मुझे भी पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों, आप सभी जनों को बता दूं, आप सभी जनों को भी अगर ब्राउज फीचर के अंदर आपकी वीडियो को लाना है तो वैसे इसके अंदर आप सभी जनों को व्यूज तो बहुत सारे मिलेंगे ही, साथ ही साथ में आपके चैनल के ऊपर काफी सारे फायदे आप लोगों को होने वाले हैं। लाइक आप सभी जनों को न्यू ऑडियंस यहाँ पर मिलने वाली है। अब वो ऑडियंस आपके चैनल के ऊपर एक वीडियो के थ्रू आएगी, लेकिन अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तो हो सकता है आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, आप लोगों को वॉच टाइम मिल सकता है और आपका चैनल आगे थोड़ा सा और यहाँ पर ग्रो हो सकता है और उसको वीडियो यहाँ पर पसंद आ जाएगी तो आपकी सारी वीडियो भी यहाँ पर वॉच कर सकता है, यानी कि आप लोगों को एक न्यू ऑडियंस मिल जाएगी, एक सेपरेट यहाँ पर ऑडियंस मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो, दो बंदे हैं यहाँ पर, एक बंदे ने सेम टॉपिक, जैसे कि माना कि एक टॉपिक टॉपिक हम ले लेते हैं कि जैसे कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, उस टॉपिक के ऊपर हमने एक वीडियो डाली और दूसरी वीडियो डाली, यानी कि एक ही वीडियो को हमने दो चैनल के ऊपर डाली, एक चैनल के ऊपर डाल दी और दूसरे पर डाल दी। वहां पर हमने टाइटल भी सेम लगा दिया, थंबनेल भी सेम लगा दिया, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम लगाया और समय भी हमने एक ही यहाँ पर नोटिस करा कि भाई इसी समय के ऊपर यहाँ पर डालेंगे। फिर भी दोस्तों, एक वीडियो के ऊपर व्यूज ज्यादा आए और दूसरे वीडियो के ऊपर यहाँ पर व्यूज कम आए, तो आप लोग समझ जाते हो दोनों वीडियो के ऊपर ऐसे और सेम टू सेम करा, सारी चीजें सेम टू सेम करी, लेकिन एक वीडियो के ऊपर व्यूज आपको कम मिलेंगे। अगर आप लोग उसको प्रैक्टिकल भी करके देखोगे, एक वीडियो बनाओगे उसको दो चैनल के ऊपर अपलोड करके देखोगे तो कभी भी दोनों के ऊपर सेम व्यूज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, एक वीडियो होती है वो वीडियो हमारे जो सजेशन के अंदर जाती है, कहीं ना कहीं लोगों को सजेस्ट करता है यूट्यूब और वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, अगर वो सजेस्ट के अंदर जाने के बाद में क्लिक करते हैं तो यूट्यूब आगे और लोगों को सजेस्ट यहाँ पर कर देता है। तो इसी चीज को बोलते हैं वीडियो को ब्राउज फीचर के अंदर पहुंचाना, सजेशन लेना, इनसे आप लोगों को काफी तगड़े तगड़े यहाँ पर फायदे होते हैं। बात करते हैं आप सभी जनों को अपनी वीडियो को ब्राउज फीचर के अंदर कैसे ले जाना है, कैसे लोगों के पास में यहाँ पर सजेशन जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी जनों को क्या करना है, आप लोग अच्छी वीडियो तो बनाते ही हो, हर एक क्रिएटर अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है, कोई भी क्रिएटर ऐसा नहीं जो बेकार वीडियो बनाएगा। क्यों? क्योंकि सभी जनों को यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर जो है ग्रो करना है, तो सभी जने अपनी अपनी वीडियो के अंदर 100% देते ही है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो भी ऐसी बेकार वीडियो बनाएगा। तो सभी जने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो यहाँ पर अच्छी बने, तो ऐसे में आप सभी जनों की वीडियो बिल्कुल अच्छी है, आप लोगों ने एक अच्छा टाइटल बना लिया है, थंबनेल बना लिया, सारी चीजें अच्छी कर दी है। लेकिन उसके बाद में आप लोगों को एक चीज यहाँ पर ऐड करनी है। सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर जाने के बाद में सर्च बटन पर जाना है, सर्च बटन के अंदर आप लोगों को सर्च करना है आपका अपना टॉपिक। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ये टॉपिक आपकी वीडियो का है, तो आप लोग क्या करोगे, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, आप लोग वहां पर सर्च के अंदर जाओगे, थोड़ा सा लिखोगे, नीचे की साइड में बहुत सारे सजेशन आ जाएंगे, सब्सक्राइबर हाइड कैसे करें, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर इंक्रीज कैसे करें, तो ये जो सारे सजेशन आते हैं आपको इनको करना है एक एक को कॉपी। इनको कॉपी करने के बाद में अलग से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डालना है, हो सके तो टेक्स्ट के अंदर भी डाल देना और हैशटैग बना लोगे तो पैसा बहुत ही बड़े यहाँ पर रहेगा। तो ये तीन चीजें आप लोगों को कंप्लीट करनी है। अब आप सभी जनों को क्या करना है, आप लोगों जो फर्स्ट जो सजेशन आ रहा था, देखो सर्च के अंदर आप लोगों ने सब्सक्राइबर कैसे नीचे लिखा हो गया बढ़ाएं, तो आप लोग उस पर क्लिक कर दो, जो फर्स्ट सजेशन आ रहा है उसके ऊपर ज्यादा यहाँ पर क्लिक होते हैं तो आप भी जो उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दो। अब आप सभी जनों को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग सामने ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो आएगी, सर्च करने के बाद में तो हजारों वीडियो आती है उसी टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग क्या करना है, शुरू की जो पांच वीडियो हमारे सामने आ रही है उन पांचों वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, उनके जो टाइटल है, यानी कि ये वो वीडियो है जिनके टाइटल यहाँ पर चल रहे हैं, टाइटल यहाँ पर रैंक कर रहे हैं और वीडियो के ऊपर व्यूज भी लेकर के आ रहे हैं और YouTube ने उन वीडियो को कहीं ना कहीं सजेशन भी यहाँ पर दिया है, उनके ऊपर व्यूज भी काफी यहाँ पर चल रहे हैं, तो आप लोगों को पांच वीडियो उठा लेनी है। पांचों वीडियो के जो टाइटल है, जैसे कि इस पर लिखा होगा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं और कौन से वीडियो का टॉपिक होगा सब्सक्राइबर बढ़ने की निंजा ट्रिक, तो पांच जो शुरुआती वीडियो है उन पांचों वीडियो के आप लोगों को टॉपिक को एक एक करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पर डाल देना है। अब दोस्तों, उससे यहाँ पर क्या होने वाला है, जब भी कोई भी बंदा इस वीडियो को यहाँ पर सर्च करेगा
तो नीचे की साइड में उस बंदे की वीडियो देख रहा है, लेकिन नीचे की साइड में आपका भी सेम टाइटल यहाँ पर रहेगा, तो यूट्यूब आपके वीडियो को भी यहाँ पर सजेस्ट करेगा। और इस तरीके से सजेशन से आप लोगों को व्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर यूट्यूब खुद ही आगे से आगे आपकी वीडियो को प्रमोट करने लग जाएगा, वीडियो को जो है ब्राउज फीचर के अंदर भेजने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को डबल धमाका ऑफर मिलने वाला है, एक तो आपकी वीडियो सर्च के अंदर है, दूसरा किसी और की वीडियो के नीचे भी आपकी वीडियो मिल जाएगी। अगर किसी और की वीडियो को देखेगा उसको अच्छी नहीं लगेगी, उसका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो भी उसको पसंद नहीं आएगा, या फिर वीडियो के अंदर कोई भी कमी लगेगी, या फिर उसकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, तो नीचे आपकी वीडियो आएगी उस पर क्लिक करेगा। तो ऐसे करते करते आपका जो एसईओ काफी तगड़ा हो जाएगा, आपकी वीडियो यूट्यूब ब्राउज फीचर के अंदर भेजना शुरू कर देगा, उससे आपके चैनल की रीच यहाँ पर बढ़ जाएगी। और जितनी ज्यादा आपकी वीडियो की रीच, साथ ही साथ में आपके चैनल की रीच यहाँ पर बढ़ेगी, उतना आपको आपकी वीडियो के ऊपर यहाँ पर ज्यादा फायदा मिलेगा। तो भाई साहब बस इतना सा सिंपल तरीका है, इस तरीके को आप लोगों को अपनी हर वीडियो के अंदर अप्लाई करना है, आपकी वीडियो धीरे धीरे यहाँ पर जो है ब्राउज फीचर के अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो बस यही थी ट्रिक, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर से यहाँ पर बता देना। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो देख करके चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो भाई साहब इस बार कोई भी बंदा आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अगली वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा वो भी कुछ इसी तरीके की लेकर के आऊंगा, वो भी डबल धमाके वाली लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।